नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है अक्टूबर 2024 करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24वां IIFA अवार्ड किसने जीता, कहाँ हुआ, किस एक्टर ने जीता, किस एक्ट्रेस ने जीता। तो 24वां IIF अवार्ड UAE में हुआ और 2025 का जयपुर में होगा। तो इसमें एक्टर्स में जीता है शाहरुख खान, हीरो में हीरोइन में रानी मुखर्जी ने जीता है। एनिमल मूवी को दिया गया है, डायरेक्टर हैं आर विधु विनोद चोपड़ा को डायरेक्टर के लिए अवार्ड दिया गया है। 2024 कहाँ हुआ, UAE में, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, एनिमल और आर विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्टर। 24वां IIFA अवार्ड 25वां जयपुर में होगा। BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन बेंगलुरु के कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट है, 2022 के लिए 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले 10 लाख राशि हुआ करती थी, अब 15 लाख इसमें दिया जाएगा। ये 54वां पुरस्कार था दादा साहब फाल्के, 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती दिया गया है। राजमाता देसी गायों को दर्जा देगा, महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं उदय निधि स्टालिन, ये MK स्टालिन के पुत्र हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं और ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे। 27,000 रन पूरे किए हैं विराट कोहली ने। सशस्त्र बल की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी आरती सरीन। और अभी आपने पढ़ा होगा कि सेना में पहली महिला चिकित्सा बनी है साधना सक्सेना नायर, सेना में और ये सशस्त्र बलों में, आरती सरीन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी सुनीता विलियम्स को धरती पर कब तक वापस लाया जाएगा, फरवरी 2025 तक लाएंगे। स्पेस एक्स का ड्रैगन रैकेट जाएगा, स्पेस एक्स कंपनी का स्पेस एक्स ड्रैगन रैकेट की हेल्प से सुनीता विलियम्स जो है चुंग जुबिन के साथ ही वहाँ पे उनके साथ में धरती फरवरी 2025 पर धरती पर वापस आएंगी। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट और 3000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, 50वें सीजर पुरस्कार में मानद सीजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जूलिया रॉबर्ट्स को, ये पेरिस में है हुआ था। 50वें सीजर पुरस्कार में मानद सीजर पुरस्कार सम्मानित किया गया जूलिया रॉबर्ट को। 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी कहाँ हुआ, दुबई में हुआ, वेटेक्स को बोलते हैं, कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। नेक्स्ट है, नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया तेलंगाना। नेक्स्ट है, मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए 50वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ, इटली के फसानों में। G7 की कोई बैठक है, किसी भी प्रकार की है G7 की बैठक, इटली के फसानों में हुआ। G20 अभी हो रहा है नवंबर 2024 में, 16 नवंबर को हो रहा है G20, ये कहाँ हो रहा, ब्राज़ील में हो रहा, मोदी जी वहाँ गए हुए हैं। नेक्स्ट है, ICC टेस्ट सीरीज की रैंकिंग में दुनिया का नंबर वन बॉलर बन गया है जसप्रीत बुमराह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ICC टेस्ट रैंकिंग की सीरीज में दुनिया के नंबर वन बॉलर बन गए जसप्रीत बुमराह, सेकंड स्थान पे अश्विनी और छठे स्थान पे जडेजा। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, पहले स्थान पे जसप्रीत बुमराह, सेकंड स्थान पे अश्विनी और जडेजा हमारे सिक्स स्थान पे है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, PM ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान स्टार्ट किया है झारखंड के हजारीबाग में। चुनाव हो रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में और 23 नवंबर 2024 को रिजल्ट आएंगे, अभी चुनाव हो रहे हैं झारखंड में। PM ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान स्टार्ट किया झारखंड में और दो राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, एक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और कहाँ हुए हैं, एक जगह और हुए, हाँ हरियाणा में हुए, सैन्य मुख्यमंत्री बने और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है, PM ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान स्टार्ट किया है झारखंड के हजारीबाग में। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं और इसका आयोजन पेरू में हुआ था, ये भारत टॉप पे रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत शीर्ष स्थान पे है और ये 24
पदक जीते थे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पेरू की राजधानी लीमा में हुआ था। इंटरनेशनल शूटिंग का है जूनियर में, और जनरल की बात करें, अगर जूनियर की बात ना करें तो भारत ने 4 पदक जीते हैं उसमें। यहाँ पे क्या है, जूनियर वाले में भारत ने टॉप किया है, पेरू में लीमा में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 गोल्ड लोगों ने जीता है और 8 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। 13 गोल्ड के हम आखिरी में नाम आपको सब लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है, सीएम ने महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का जो लोगो लॉन्च किया है वो है गुड़िया, कहाँ पे? बिहार में लॉन्च किया है। किसके सीएम ने? तो बिहार के सीएम ने, नीतीश कुमार ने महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 का लोगो गुड़िया लॉन्च किया बिहार में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105वें स्थान पर भारत, और बेलारूस हमेशा जानते हो पहले स्थान पर रहता है। नेक्स्ट है, निजित मोइना योजना स्टार्ट की असम सरकार ने, छात्रवृत्ति प्रदान करेंगी निजित मोइना योजना के तहत असम सरकार। नेक्स्ट है, 700 अरब से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 4थे स्थान पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन पहले स्थान पर विदेशी मुद्रा भंडार में, और सेकंड स्थान पर स्विट्जरलैंड, और थर्ड स्थान पर जापान, भारत 4थे स्थान पर। 700 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार पाने वाले देशों में टॉप पे हैं चाइना, भारत 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट है, सीएम ने संकल्प पहल स्थान की है, संकल्प पहल स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश के शिमला में। नेक्स्ट है, अजीत विनायक को जर्मनी का राजदूत बनाया गया। 61वें ईरानी कप का खिताब मुंबई ने जीता है 27 साल बाद, और उसने शेष भारत को हराया है। नेक्स्ट है, सिंगापुर ओपन स्नूकर का चैंपियनशिप जीता है पंकज आडवाणी। जहाँ स्नूकर आ जाए ऑब्वियसली बात है पंकज आडवाणी ही जीतते हैं। नेक्स्ट है, मी डोरी पुरस्कार जीता है वेरा वोरोनोवा और ईसा वेस ने। मी डोरी पुरस्कार जीता है वेरा वोरोनोवा, ये कजाकिस्तान की हैं, ईसा वेल ये पेरू की हैं। ये सुमक कावसाय के संस्थापक हैं, और जो वेरा वोरोनोवा हैं ये जैव विविधता संरक्षण कार्यकारी निदेशक हैं। ये मिडोरी पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण और स्थिरता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, जिमनास्टिक से संन्यास लिया दीपा कर्माकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और बायो सीएनजी संयंत्र आधारित भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो सीएनजी संयंत्र आधारित भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका नाम मध्य प्रदेश से कहाँ पे? लाल टिपारा गौशाला में। नाम क्या है? लाल टिपारा गौशाला, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। यहाँ क्या होगा, 100 टन गाय के गोबर से प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, पहला चाइना ओपन टेनिस जीता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं। नेक्स्ट है, क्लाउडिया शिनबॉम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं क्लाउडिया शिनबॉम। नेक्स्ट है, पार्थ माने पेरू में ISSF जूनियर चैंपियनशिप में 2 मेडल जीता है। पार्थ माने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, 13 मेडल जीते ना भारत ने, तो 13 गोल्ड जीते हैं, 24 मेडल जीते हैं, 13 गोल्ड जीते हैं। पार्थ माने इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ जितने भी खिलाड़ी के नाम होंगे ये सब शूटिंग संबंधित है, तो पार्थ माने ने गोल्ड जीता है, तो 2 गोल्ड जीते हैं पार्थ माने ने। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर में प्रसिद्ध मैगी स्मिथ, हैरी पॉटर मूवी में एक बुरी बुरी औरत थी, तो उसमें मैगी स्मिथ, ये इसका निधन हो गया, इसको 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो हम लास्ट में आपको ये जो नोबेल पुरस्कार वाले हैं कराएंगे क्वेश्चन ट्रिक से अगली वीडियो में, तो इसमें शॉर्टकट में देख लेते हैं। जॉन हॉपकिंस और जेफी हिंटन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मशीन लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है, विक्टर एम्बोस एंड गैरी रूबकुन को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। जीन से प्राप्त जानकारी को कोशिकाओं के हिसाब से उपयोग में लाने के लिए माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र जो है ये इसरो की मदद से केरल में खोला जाएगा, केरल के केल्टॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स में खोला जाएगा, भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र है। नेक्स्ट है, पहले 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा। अमेरिका ने हार्पून मिसाइलों का पहला बैच ताइवान को दिया है, हार्पून मिसाइलों का बैच ताइवान को दिया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड बेकर, हेमिस हस्साबिस, जॉन एम जंपर को दिया गया है। साहित्य का नोबेल दिया गया है हैंग कॉन्ग, दक्षिण कोरिया की हैं। नेक्स्ट है, नोबेल का हम बाद में ट्रिक का बनाएंगे आपका वीडियो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी दी है
लोथल गुजरात में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो है प्राचीन स्थल है लोथल, इसलिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी दी गई लोथल गुजरात को। बाबा वुडवर्ड ने जो जो है पुस्तक कौन सी लिखी है, वार नाम से बुक लिखी है। बाबा वुडवर्ड बहुत फेमस हैं, ये मतलब वार नाम से जो है जो बाइडन की बात को ट्रंप को बताएंगे, ट्रंप की बात को जो बाइडन के नाम से बताएंगे, तो वही सब इसमें लिखते हैं। तो बाबा वुडवर्ड ने वार नाम से बुक लिखी। नेक्स्ट है, नौसेना ने दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी पोत बनाया है INS निर्देश, मतलब नौसेना ने दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत बनाया है INS निर्देश। पहला कौन सा था, INS संघायक, ये मतलब ये नौसेना ने बनाया है, स्वदेशी है। पहला था INS संघायक, अब है INS निर्देशक। नेक्स्ट, नोबेल में शांति दिया गया है, शांति हिंडोन हिंडाल को जापान का है। ये परमाणु कथा का प्रयोग कम करना चाहिए, परमाणु से हमला नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, 44 साल में दो बार आसियान की बैठक होती है, आसियान की बैठक 6 महीने में होती है, 6 महीने में। तो 1967 में स्थापना होती है लाओस में, 10+1 मेंबर हैं, हाँ, और वह जो लास्ट मेंबर बना है पूर्वी तिमोर है 11वां मेंबर। तो इसकी जो है 44 और 45 में जो है साल दो बार होती है, कि दोनों की बैठक एक ही जगह होती है साल में। तो 2024 की बैठक लाओस के वियतियाने में हो रही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाओस के वियतियाने में हो रही, भारत इसमें सदस्य नहीं है। एपेक में एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी, इसमें 21 सदस्य हैं और इसमें भी भारत सदस्य नहीं है एपेक में। इसकी बैठक 2024 की पेरू में हो रही है, 2024 की बैठक पेरू में हो रही है, और 2025 की एपेक की बैठक दक्षिण कोरिया में होगी, दक्षिण कोरिया में होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है, क्या नाम है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा है। पहला कौन सा था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार में कुल 54 बाघ रिजर्व हैं। नेक्स्ट, रतन टाटा के बाद टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है उनके चचेरे भाई नोएल टाटा को, आयरलैंड के पास नागरिकता है नोएल टाटा के पास। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2025 उत्तराखंड में किया जाएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, जबकि 2024 में 37वां जो हुआ था वो गोवा में हुआ था। नेक्स्ट है, आसियाना की हम बता चुके हैं, आसियाना की भारत खास मीटिंग हुई है, हालांकि सदस्य नहीं है लेकिन मीटिंग लाओस में हुई थी, क्योंकि मीटिंग लाओस में हुई रही है 44-45 की, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो वही हुआ लाओस में हुआ था, मोदी जी गए थे। दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए, नीमा रिंजी शेरपाई नेपाल के हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 28वें मालाबार नौसेना अभ्यास बंगाल खाड़ी में हुआ, क्वाड देशों के बीच में हुआ था, होता है 28वां था। नेक्स्ट है, 27वीं एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आयोजन अस्ताना में होता है। भारत ने 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आयोजन अस्ताना में हुआ था, और महिला टीम ने भी कांस्य जीता। इत्तेफाक से इसमें पुरुष और महिला दोनों जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आयोजन कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में हुआ था, 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल दिया गया 3 लोगों को, डेरन साइमन और जेम्स को। नेक्स्ट है, चीन में माउंट सियापंगमा पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए अर्जुन वाजपेयी, ये भी लगभग 8000 मीटर कितनी ऊंचाई है लगभग सबको पार किया। चीन में माउंट सियापंगमा पर चढ़ने वाले भारतीय बन गए अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना कब से लगा है, राष्ट्रपति शासन 2018 से लगा है, 2019 में यहाँ से 317 हटा दिया गया था, अब जो है अब हटा है जाके, जब हाँ अब याद आया कौन अब्दुल्ला बने राष्ट्रपति यहाँ के, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति उमर अब्दुल्ला बने हैं, ठीक है, जो चुनाव हुआ था ना बताया भी है, सैनी बने हैं हरियाणा के और यहाँ के बने उमर अब्दुल्ला, तो राष्ट्रपति शासन हट गया है। और लिहा जब क्योंकि जैसे बने जैसा संसद चला उन्होंने कहा, विधानसभा चली उन्होंने कहा कि इसको जो है फिर से बहाल किया जाए, इसको राज का दर्जा दिया जम्मू कश्मीर को, तो 2018 से राष्ट्रपति शासन इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाते हैं 2 से 26 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय
अधिधम दिवस मनाते हैं 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का नया स्पीकर बन गया है, चुना हुआ नया स्पीकर बना है अब्दुल रहीम राठर। अब्दुल रहीम राठर जम्मू कश्मीर के नए स्पीकर बन गए हैं। अभ्यास गरुण शक्ति होता है इंडोनेशिया के बीच, और गरुण फ्रांस के बीच में होता है, शक्ति फ्रांस के बीच में होता है। अभ्यास गरुण शक्ति जो होता है इंडोनेशिया के बीच में होता है, और गरुण फ्रांस के बीच में होता है, शक्ति फ्रांस के बीच में होता है। गरुण शक्ति इंडोनेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है, 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नए बने प्रबोवो सुबियांटो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिन में चुना हुआ है इंडोनेशिया में, मतलब अगर बात करें दुनिया में, जैसे भारत में क्या चुनाव होता है, 7 दिन में चुनाव होता है, 7 चरणों चुनाव होता है, तो ये एक दिन में सबसे बड़ा चुनाव दुनिया में कहें तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांटो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में मुख्य अतिथि प्रबो, मतलब प्रो आईफोन प्रो रखते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। नेक्स्ट है, और सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, और सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का। नेक्स्ट, 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी। इनकी पूछा जाएगा किस पार्टी से, आउट क्वेश्चन है। 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, इनकी जो वाइफ होती हैं वो फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका होती हैं, और जो उपराष्ट्रपति बनेगा उनकी जो वाइफ होंगी वो सेकेंड लेडी ऑफ अमेरिका होंगी। तो नेक्स्ट है, सॉरी 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका चुनाव चिन्ह हाथी था, रिपब्लिकन पार्टी के हैं ये, 47वें बने हैं। 46वें कौन से थे, डोनाल्ड जो बाइडन, और 45वें कौन थे, यही थे। 2014-16 से 2020 तक 4 साल कार्यकाल होता है। इन्होंने हराया है कैमरा हैरिस को, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, गधा चुनाव चिन्ह का। हो भाषा को असम कह रहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं इनको राष्ट्रभाषा में शामिल करो, जो 8वीं अनुसूची में उनसे शामिल किया जाए। नेक्स्ट है, ताइवान में टाइफून आए हैं कोंगरे खानून के थान, ये टाइफून आए हैं ताइवान में कोंगरे खानून के थान, और टाइफून यागी आया है वियतनाम में, और टाइफून दाना आया है उड़ीसा पश्चिम बंगाल में, चक्रवात असना आया है गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बन गए एस परमेश। नेक्स्ट है, सॉवरेन के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे अमीर शहर बन गया अबू धाबी। महाराष्ट्र ने कहा है राज कौशल विश्वविद्यालय का जो नाम होगा वो उसका नाम बदल के रतन टाटा महाराष्ट्र राज कौशल किया जाएगा। महाराष्ट्र राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम रतन टाटा महाराष्ट्र राज कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन को IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। ये इसका रॉकेट था चंद्रयान 3 का LV-M3-M4, लगभग 314 करोड़ के आसपास खर्च आया था इसमें। तो इसके जो चंद्रयान 3 के लिए जो है एस सोमनाथन को IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, यूपी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है बनारस में खुल रहा है। देश का पहला वैदिक 3D संग्रहालय भी बनारस में खोला गया था। देश का पहला वैदिक 3D संग्रहालय बनारस में, और देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय भी बनारस में खोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहीं खोला जा रहा है किसी संस्था के अंदर, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय बनारस में खोला जा रहा है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट, विधानसभा का चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र और झारखंड में। इम्पोर्टेंट हो गया कि मैं आपको उनकी सीटें याद होनी चाहिए, इम्पोर्ट क्वेश्चन है। 288 सीट हैं विधानसभा की, और झारखंड में 81 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, 81 सीटें हैं, और ये 288 सीट हैं। ये 15वें नंबर पर चल रहा है, ये 6वीं विधानसभा है, ये चुनाव हो रहा है। नेक्स्ट है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है उड़ीसा, सेकंड स्थान पर यूपी, आउट क्वेश्चन। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार उड़ीसा ने जीता है, पहले स्थान पर, सेकंड स्थान यूपी में, और शहरी स्थानीय निकाय की बात की जाए तो सूरत नंबर पर है। नेक्स्ट है, 23वीं SCO के शासनाध्यक्ष की बैठक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गई है, SCO की बैठक पूछे कहाँ हुई है, तो कजाकिस्तान के अस्थाना में हुई। SCO की बैठक कहाँ हुई है, कजाकिस्तान के अस्थाना में हुई 2024 की। लेकिन अगर पूछ ले कि हेड ऑफ गवर्नमेंट सरकार के प्रमुख या शासनाध्यक्ष की बैठक कहाँ हुई, तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई है, 23वीं थी। ठीक है, देख सकते हैं,
27वें एशियाई टेबल टेनिस का मेडल जीता है जापान ने, जापान ने 8 मेडल जीता है, 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। 27वें एशियाई टेबल टेनिस में सर्वश्रेष्ठ मेडल जीता है जापान ने। आयोजन कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में हुआ था। भारत ने 3 ब्रॉन्ज जीते, ओनली 3 ब्रॉन्ज जीत के भारत 7वें स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, आपको बता चुके हैं, ये भी आउट क्वेश्चन। 6 सीट इसकी याद होनी चाहिए, 90 सीट है। 9 का स्क्वायर 81 कहाँ, झारखंड में सीटें। हरियाणा में कितनी सीटें, 90 सीटें हैं, और इसमें से 48 सीट बीजेपी जीती है। तो बहुमत से आ गई और सीएम बन गए नायब सिंह सैनी बीजेपी पार्टी के। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बन गए हैं, इनकी पार्टी प्लस कांग्रेस ऐसे गठबंधन करके इन्होंने सरकार बना ली जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया जीती है निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया जीती हैं रिया सिंघा। नेक्स्ट है, नासा ने जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। यूरोपा एक उपग्रह किसका है, बृहस्पति ग्रह का, इसी के नाम पर रख दिया गया। तो नासा ने जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है बृहस्पति ग्रह के लिए। स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट यहाँ भेजा जाएगा जीवन की खोज के लिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन चला रही है भारत की कंपनी, कौन सी है, BEML कंपनी। ये मुख्यालय बेंगलुरु में है। फुल फॉर्म देखो, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 2026 तक बुलेट ट्रेन चला देगी। हालांकि अब हम जापान के सहयोग से पहली बुलेट ट्रेन चल रही है वो मुंबई टू अहमदाबाद चल रही है, जापान बना रहा है, लेकिन स्वदेशी बुलेट ट्रेन BEML बना रही कंपनी, जो 2026 तक बन जाएगा। मुख्यालय बेंगलुरु में है इसका। तो ये जो है ये बुलेट ट्रेन बन रही है, और इसका मुझे याद नहीं रहा कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन BEML कंपनी बना रही है, मुख्यालय मुंबई में, शायद अभी इसका क्लियर नहीं कहाँ से कहाँ से चलेगी। 2026 तक ये चलाएगी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, औषधि नियामक प्राधिकरण की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 400 तितली की प्रजाति है। सॉरी, 446 तितली की प्रजाति हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, दूसरा बन गया है। पहला कौन सा था, पहला अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान था, यहाँ तितली विविधता केंद्र था। अच्छा, काजीरंगा एक ऐसा ही पहला ही राष्ट्रीय उद्यान था जहाँ पे सैटेलाइट फोन चले थे। काजीरंगा सिंह के लिए फेमस है, ठीक है। तो काजीरंगा पहला तितली विविधता केंद्र बना, शायद यहाँ पे ही सैटेलाइट फोन ही चला, बता चुके सैटेलाइट फोन ही चला था यहाँ पे। नेक्स्ट है, अगले 851 मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है 15 मई 2025 को रिटायर होंगे, चंद्रचूड़ रिटायर हो गए 10 नवंबर 2024 को, 51 बन गए हैं संजीव खन्ना। नेक्स्ट है, मेरा हो चोंगमा महोत्सव मणिपुर के इम्फाल में मनाया गया। भारत ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता किया है कोलंबिया के साथ में। भारत ने ऑडियो विजुअल मतलब तुम्हारी जो फिल्म का जो टैलेंट है, जो भी तुम्हारी कैसी मूवी बनने, हम सीखेंगे हमारी तरीका तुम सीखो। तो भारत ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता कोलंबिया से किया है, ये 17वां देश है ये। राष्ट्रपति हैं कोलंबिया के गुस्ताबो पेट्रो। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका कंट्री है, राष्ट्रपति हैं गुस्तापो पेट्रो, घुसा जाते हैं, काला कहोगे घुसा जाएंगे। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप में भारत ने 4 मेडल जीता, वही जो बता चुके जूनियर वाले में भारत टॉप पे जीता था, बताया था 13 लोगों के नाम लास्ट में बताएंगे। तो यही ISSF जो विश्व कप है भारत ने 4 मेडल जीते हैं, ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के कहाँ, दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सेन रेंज में हुआ था, इनके नाम याद करने से पूछे जाते हैं। सोनम भास्कर ने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। विवान कपूर ने गोल्ड किसी ने जीता है, टोटल 4 मेडल भारत ने जीते हैं, इसमें से 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। तो सोनम भास्कर सिल्वर जीता है 10 मीटर एयर राइफल ने, विवान कपूर ने सिल्वर जीता है, और अखिल ने भी ब्रॉन्ज जीता है 50 मीटर में, और अनल जीत इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है टैप स्पर्धा में। और जूनियर का हम आपको बता चुके हैं, भारत पहली रैंक है, पेरू के लीमा में हुआ था, 24 पदक जीता है भारत, 13 गोल्ड, 13 के नाम लास्ट में बताएंगे, और 3
ब्रॉन्ज अवार्ड, 3 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जीता है न्यूजीलैंड ने। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आईसीसी का महिला टी20 विश्व कप जीता है न्यूजीलैंड ने, हराया किसको, दक्षिण अफ्रीका को। हुआ कहाँ था, यूएई में हुआ था। पहले कहाँ होना था, पहले बांग्लादेश में होना था, वहाँ तख्ता पलट हो गया, तो यूएई में हुआ। आईसीसी का महिला टी20 विश्व कप न्यूजीलैंड जीत गया है दक्षिण अफ्रीका को हरा के। कितनी रुपये की राशि इनको दी जाएगी, $2.9 मिलियन। इतनी पुरुषों को भी दी गई है। हाँ, कहा गया था ना, आईसीसी ने कहा था हम पुरुष और महिलाओं को बराबर का सम्मान देंगे, तो दोनों को बराबर की राशि दी गई है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी का पुरुष टी20 हम बात कर लें, आईसीसी का पुरुष 20 की बात कर लें, तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ये कहाँ हुआ था, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, फाइनल मैच बारबाडोस में हुआ था। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि टी20 में चाहे पुरुष हो महिला हो, हारा है दक्षिण अफ्रीका। महिला में जीता है न्यूजीलैंड, पुरुष में भारत जीता है। और कहाँ हुआ था, ये याद करना इम्पोर्टेंट है, महिला का यूएई में हुआ था, पुरुष का यूएसए वेस्ट इंडीज में हुआ था, और फाइनल मैच बारबाडोस में हुआ था। नेक्स्ट है, रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 से घटाकर 60 दिन कर दिया गया। अच्छा, पहले हम लोग आरक्षण रिजर्वेशन कराते थे 4 महीना पहले करा सकते थे, अब क्या है 2 महीना, 60 दिन, 60 दिन के अंदर ही करा सकते, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, जो विदेश, हाँ नेक्स्ट है, 60 दिन करा सकते। नेक्स्ट, भारत सरकार से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया मॉरिशस। मतलब हम रुपए में दें, अब उसके हम पर रुपये चलेगा, रुपए में ऋण देंगे, पहले सब डॉलर में होता था काम, ऐसे क्या रुपए मजबूत होगा। तो भारत सरकार ने रुपया ऋण प्राप्त करने में दुनिया का पहला देश बन गया मॉरिशस। 487.60 करोड़ रुपये दिया गया SBI के थ्रू। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के फैसले को बरकरार रखा, असम की है। उसमें कहा गया था कि जो बाहर से आए हैं इतने इतने समय के पहले आ गए तो उनको नागरिकता दी जाएगी, उसके बाद आएंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, कुछ इसी तरह धारा 6A में। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के फैसले को बरकरार रखा, यह असम का है। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव केरल विधानसभा ने पास किया है, कह रही है कि ये जो है ये संशोधन, हालांकि JSS के पास गई है, ज्वाइंट संयुक्त संसदीय समिति के पास गई है, तो जब वो 24 संशोधन होकर आएगा तो इतना केरल विधानसभा ने कह दिया है हम ये जो है समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JCC के पास गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नवे अध्यक्ष बन गए विजया राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के नवे अध्यक्ष बन गए विजया राहटकर, आउट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बता चुके हैं प्रभावो सुबियांतो, एक दिन में सबसे बड़ा चुनाव बता चुके हैं, गणतंत्र दिवस पे आएंगे। 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, मतलब 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली बाला देवी। बाला देवी जो है सुनील छेत्री थे, हालांकि उन्होंने संन्यास ले लिया, तो मेल में सबसे गोल उन्होंने किया है, फीमेल में बाला देवी ने, इनको गोल मशीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइफून आया है कोंगरे, बता चुके हैं कोंगरे ताइवान में आया है, खानून भी ताइवान में आया है, केथान भी ताइवान में आया है। मैया सम्मान योजना के तहत एक जो महिलाओं को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा मैया सम्मान में, 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये दिया जाएगा। झारखंड में चुनाव हो रहे हैं इसलिए सब दिया जा रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, 81 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 288 सीट है। नेक्स्ट है, पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार दिया गया नारायण मूर्ति को, शांतनु नारायण और अभिनव अस्थाना को दिया गया। COP16 कहाँ हुआ, इम्पोर्टेंट है, COP16 जैव विविधता से संबंधित है, कोलंबिया के कैली शहर में हुआ है 2024 का। और COP29 की बात करें जो पर्यावरण संबंधित है, ये अजरबैजान के बाकू में हुआ 2024 का। और COP16 जैव विविधता से संबंधित है, ये जो है कोलंबिया कैली में हुआ। और COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ 2022 में। और COP29 जो है बाकू में हो रहा है, उसके बाद शायद ब्राज़ील में होगा, और जो है COP33 भारत में होना है। कोप ये बाकू में होगा, फिर शायद ऑस्ट्रेलिया में होना है, उसको देख के बताएंगे बाद में। नेक्स्ट है, दलित को उप कोटा लागू करने वाला पहला बन गया हरियाणा। मतलब दलित ने भी बनेगा क्रीमी लेयर,
जो ज़्यादा पैसे वाले उनको आरक्षण कम मिलेगा, जो इस टाइप से, तो अब कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, मतलब SC के तहत कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया हरियाणा। नेक्स्ट है, देश के 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों पर दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव पूरी मनाया गया है, मतलब लाइट हाउस लगा होगा, लाइट लगे होंगे ताकि पता चले जहाज़ को कि कहाँ पे जो है बंदरगाह है, तो पूरी दूसरा हो गया। पहला कौन था, प्रकाश स्तंभ गोवा में लगा था। नेक्स्ट है, ADB के सहयोग से स्विफ्ट SWIFT परियोजना जो है असम ने लॉन्च की है। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी, हेडक्वार्टर मनीला में है। 68 देश थे, एक देश और जुड़ गया है, इजराइल नया देश इम्पोर्टेंट है। 69 देश टोटल हो गए जो है, लेटेस्ट देश इजराइल जुड़ा है। ADB ने स्विफ्ट परियोजना के तहत असम को 800 करोड़ रुपए का लोन दिया है। किस लिए? स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल वेटलैंड आदि भूमि के लिए एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन असम में जो मतलब दिया गया है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, ISSF द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है लिकुन युकुन, ये चीन के हैं पुरुष को मतलब पुरुष में, और यांग जी इन कोरिया के हैं, महिला के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की बैठक हुई है, 16वीं बैठक जो ब्रिक्स की 16वीं बैठक हुई है रूस के कजान शहर में हुई है। इसमें 5 देश होते थे ब्रिक्स में, 2006 में स्थापना हुई थी, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, 2019 में 2009 में पहली बैठक रूस में हुई थी, और अब 4 देश और इसमें ऐड हो गए, मिस्र, इथोपिया, UAE, ईरान, सऊदी अरब, हालांकि इसमें भी ऐड नहीं हुआ है, और 13 देश इसमें ऑब्जर्वर के रूप में है इसमें। नेक्स्ट है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजन गोवा में हुआ था, कर्नाटक पहले स्थान पे, महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे तैराकी में। नेक्स्ट है, सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पहले स्थान पे है, इसने हराया इंडियन ऑयल को। नेक्स्ट है, ADB में शामिल 69वां देश बता चुके हैं इसराइल है। चौथे परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का अनावरण विशाखापत्तनम में किया गया। चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी लॉन्च की गई विशाखापट्टनम में, चौथी थी। नाम क्या था चौथी का? S4 स्टार। पहले का नाम था INS अरिहंत, सेकेंड का नाम था INS अरिघाट, थर्ड का नाम था INS अरिदमन, चौथे का नाम है S4 स्टार, विशाखापट्टनम से। INS अरिहंत, अरिघाट, अरिदमन, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। नेक्स्ट है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश है ऑस्ट्रेलिया, ये होता हमेशा होता है गोवा में। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होता है, फोकस देश ऑस्ट्रेलिया, जिसे पिकाको अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर समझौता का जो टाइम पीरियड बढ़ा के 24 अक्टूबर 2029 तक कर दिया गया है। पहले 2024 तक था, अब 2024 से बढ़ाकर 2029 तक किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और जर्मनी का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास हिंद महासागर में हो रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, अगर समुद्री साझेदारी अभ्यास किसके बीच होता है? भारत जर्मनी के बीच में हिंद महासागर में हो रहा है। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने सिल्वर जीता है, मैक्सिको में हुआ था। कक्षा 10 की गणित और विज्ञान के उत्तीर्ण अंकों का 35 अंक से घटा के 20 अंक कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अब जो बच्चा गणित या विज्ञान में कक्षा 10 में 20 नंबर ले आएगा उसको हम पास घोषित कर देंगे, लेकिन बाद में कह दिया जाएगा कि अब आप छोड़ दीजिए, आगे में मैथ और साइंस छोड़ दीजिए। 35 से घटा के 20 अंक को पास कर दिया गया महाराष्ट्र के SCERT में। नेक्स्ट है, दारा सिंह खुराना को कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। दारा सिंह खुराना को कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा का है। इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा का। नेक्स्ट है,
फीफा रैंकिंग में भारत के रंग का गड़बड़ हो रही है, 125 स्थान पे है। पहले स्थान पे अर्जेंटीना, सेकंड स्थान है फ्रांस, थर्ड स्थान पे स्पेन है। फीफा रैंकिंग भारत 125 स्थान पे, सबसे अधिक विकेट लिया टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ है। रतन टाटा ए लाइफ बुक लिखी है थॉमस मैथ्यू ने, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड जीता है उर्मिला चौधरी ने, नेपाल की उर्मिला चौधरी ने ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड जीता है उर्मिला चौधरी ने। नेक्स्ट है, भारत ने स्पेन से C295 सैन्य परिवहन विभाग खरीदे, 56 खरीद रहे हैं, जो 16 रेडीमेड आएंगे, बाकी हैं भारत में बनेंगे। भारत ने स्पेन से C295 सैन्य विमान दिया है, बड़ा विमान होता है, इसमें सब सेना के सामान वगैरह आते हैं। C295 ले रहे हैं। नेक्स्ट, AI चैट बॉट ने भारत का पहला बहुभाषी और बहु मॉडल एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया, क्या नाम होगा उसका, हनुमान AI। AI चैट बॉट ने भारत का पहला बहुभाषी और बहु मॉडल एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया, नाम होगा हनुमान AI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आखिरी पेज बचा है, आखिरी पेज में सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता, आयोजन मलेशिया में होता। जनगणना अभ्यास कब शुरू होगी, 2025 से, एक दिन शुरू होने थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं शुरू हो पाई। 1872 से पहले सुनी हुई थी लाल मेहरू के समय में, 1881 में प्रॉपर शुरू हुई थी, और 2011 की जनगणना थी, अब 21 में होनी थी, अब 25 में होगी। नेक्स्ट है, संन्यास लिया है किसने संन्यास लिया है, दीपिका कर्मकर ने जिम्नास्टिक संन्यास लिया है, राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लिया है, और लुइस सुआरेज ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, उरुग्वे हैं। और चक्रवात हम आपको बता चुके हैं, दाना उड़ीसा पश्चिम बंगाल में है, असना गुजरात का तट पे आया है। नेक्स्ट है, टाइफून बता ही चुके हैं, टाइफून एम्पिल जापान में आया है, टाइफून सानसान जापान में आया है। ये प्रधानमंत्री जो 6 बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं जफन हसन, श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं हरिनी अमरसूर्या, श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमार दिशानायके। जापान के प्रधानमंत्री बन गए सीगेरू इसीबा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए प्रबोवो सुबियांतो। वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति बने हैं कैस सैयद। थाईलैंड के PM बने पैत्रोंग तार्न सिनवात्रा। ISSF जूनियर में हमको बता चुके हैं कि इंडिया की पहली रैंक है पेरू के लीमा में होता। ISSF का मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है, और 24 मेडल जीता, 13 गोल्ड और 3 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज। ये 13 गोल्ड हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अक्टूबर 2024 करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।